कुछ भी हो, लेकिन मैं पर बिल्कुल प्रयास करना चाहेंगे इस वक्त। शानदार मैच पहले गोल बासंत ने, और इसी के साथ दूसरे गोल देखिए। टूर्नामेंट के तहत मतलब हेलो देख बाबू कैमरा पहुँचे थे हेलो। चलिए पुनः एक बार सभी खेल प्रेमी और दर्शकों को पुनः एक बार डेंजर क्लब असंतले की ओर से शुक्रिया और हार्दिक धन्यवाद। चलिए महिला वर्ग काफी कम समय से लेकर के इस तरह का फुटबॉल टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट किए हैं, उनको भी वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत डेंजर क्लब असंतले की ओर से एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल दिन रहा, और उनको देखते हुए इस तरह का मौका दी जा रही है और काफी सुधार हुई है वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत। तो आप देखने पड़ेंगे महिला वर्ग। हेलो, वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत काफी सुधार हो चुकी है, और लगता है इस क्या से जो महिला वर्ग जो खेलने की जो सेमीफाइनल का जो एडवांटेज मिली है, और यहाँ से लगता है जो भी टीम जीतेगी उनके टीम जो है लगभग लगभग फाइनल की करीब क्वालिफाई कर जाएगी। चलिए तमाम दर्शक जुड़े हैं, महिला वर्ग काफी कम समय से लेकर किस तरह का फुटबॉल टूर्नामेंट पर नजर आते हैं, उनको भी थोड़ी इस फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत ताली की और सिटी तो नहीं ताली की तहत थोड़ी बहुत खुशी का जाहिर करेंगे, और ऐसा ना हो वो भी दर्शक गलत तरीके से कमेंट ना करें और इस तरह का लापरवाही अगर करते हैं तो आपको भी दंड का भागीदारी होंगे। और इस मैच के बाद पुरुष वर्ग से भी मैच खेला जाएगा, सेमीफाइनल का मैच, आप रेडी रहेंगे। एकदश क्रांतिकारी बनाम एसएस जिलिंग डोगरी के बीच सेमीफाइनल का मैच पुरुष वर्ग से, जो भी टीम वहां से विजय जीतेंगे यानी दोनों टीम प्राइज का हकदार बन चुके हैं, आपका जो 30,000 का इनामी राशि पुरुष वर्ग से आज देखना पड़ेगा। और आज 40+ भी मैच खेला गया था और वो टीम आज फाइनल खेलेगी, कुछ ही घंटों बाद उनका भी मैं परिचय कराना चाहूंगा। आज एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट पर सभी टीमों को इस तरह का मौका दी गई है, डेंजर क्लब असंतले की ओर से काफी सुनहरा मौका कहा जाएगा, और इसी छोटे ग्राउंड से आप अगर अच्छे मैच खेलेंगे तो उम्मीद करते हैं बड़े टूर्नामेंट के तहत आप अच्छे मैच का भूमिका आप निभा सकते हैं। और इस मैच का संचालक बिल्कुल टिंकू के द्वारा एक अच्छे प्लेयर के तहत जाने जाते हैं चकतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और आज उनको एक अच्छे प्लेयर के पहचान के तहत आज संचालक करने का मौका दी जा रही है। खेला ठंडी हो चुकी है।
हेलो चलिए थोड़ी कॉपरेट करके चलेंगे जल्दी के कारण। अगर पुरुष वर्ग का जो सेमीफाइनल का मैच होने वाला था, लगता है महिला वर्ग दूसरे सेमीफाइनल के लिए इस वक्त बने हैं फोर्थ रेफरी पैनल के करीब। रानी होस्टल सीकेपी बनाम चाईबासा एफसी, इसके बाद मैच खेला जाएगा, उसके बाद पुरुष वर्ग से सेमीफाइनल का भी मैच खेला जाएगा। इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा रानी होस्टल सीकेपी बनाम चाईबासा एफसी, दोनों टीम महिला वर्ग से पूरी तरह से अगर वार्म अप किए हैं तो आप ठीक आपके लिए जगह है फोर्थ रेफरी पैनल के करीब। लगभग लगभग आप वहां चले आएंगे। हेलो चेक, हेलो 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 चेक और एक बार कुछ भी हो लेकिन देश हम बढ़ाई खेलेंगे। और लाजवाब शूट आउट, चलिए जो प्लेयर गोल लागे हैं आप बता देंगे एक बार। थैंक यू जर्सी नंबर 22। चलिए जल्दी के कारण टीम लिस्ट नहीं हुआ है। हेलो, जल्दी के कारण आज टीम लिस्ट उपलब्ध नहीं हुआ है, उसके कारण मैम का नाम संचालक हेलो हेलो चलिए बिल्कुल बिल्कुल गर्ल्स हॉस्टल सीकेपी की ओर से आत्रिक गोल दागे एक शून्य से पिछड़ता हुआ और बाकी कुछ समय पर थोड़ी बहुत सोच और टारगेट को अपने टीम के लिए बदलने होंगे। और इसी तरह से अगर अपने मैच के तहत अगर अच्छे टारगेट के साथ अगर मैच को खेलते हैं तो अपने टीम के लिए बिल्कुल बिल्कुल वापसी कर सकते हैं। और चाहेंगे संघर्ष और कोशिश की करीब अगर चाहेंगे इस वक्त गर्ल्स हॉस्टल चकदेपुर की टीम दूसरी गोल की तलाश पर बिल्कुल प्रयास करना चाहेंगे इस वक्त। शानदार मैच और इसी के साथ दूसरे गोल। देखिए वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत मैं जिस तरह का जिक्र किए थे, आज महिला वर्ग भी इस फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत काफी कुछ सीखे हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट के तहत एक अच्छे मैच का भूमिका को निभाए हैं। और देखना पड़ेगा आज काफी शानदार मैच रहा, अपने टीम के लिए दूसरे गोल दागे हैं। चलिए दूसरे गोल जो टीम के प्लेयर दागे हैं गर्ल्स हॉस्टल सीकेपी हाथ उठा देंगे एक बार। थैंक यू। चलिए अपने टीम के लिए बच्चा कुछ समय पर हैट्रिक गोल दाग पाते कि नहीं, लगता है आज जल्दी के कारण पुरुष वर्ग से भी शायद आज एक से लेकर के दो गोल जरूर दागे हैं, लेकिन तीसरा गोल भी दागे होंगे जरूर, तो कहा नहीं जाएगा। काफी विलंब से पहुंचे इस डेंजर क्लब के मंच पर, अब कुछ ही घंटों बाद आज जिक्र करना चाहेंगे पुरुष वर्ग से कौन सा टीम अभी तक तीन गोल डाले हैं कि नहीं। और इस वक्त महिला वर्ग चाहेंगे अपने टीम को लेकर नए रिकॉर्ड के तौर पर तीसरा गोल की तलाश पर जूझना चाहेंगे। और इसी दो गोल के अंतर
अंतर्गत को बचाव बचाव समय पर इस वक्त डिफेंस दल की टीम कितने कम घटाव कर पाते हैं देखना पड़ेगा। पागल नहीं क्या खाने के बोलोगे रात बोलो लड़ी से की कौन सी तक पागल है वो हेलो आई लेना क्या हेलो कहाँ नहीं बोल कमेटी के लड़के आप फोर्थ रेफरी पंडाल पर अगर बने हैं तो आप और कोई भी व्यक्ति को वहां से हटा देंगे। चलिए जर्सी नंबर नौ अपने टीम के लिए दूसरे गोल आगे थे जानो के द्वारा बेहतरीन मैच कहा जाएगा। हेलो इस मैच के बाद चाईबासा एफसी बनाम रानी हॉस्टल के बीच खेला जाएगा महिला वर्ग से दूसरा सेमीफाइनल। फ्री किक करने का मौका मिलेगा इस वक्त मान से खाली कर देंगे दर्शक मंच को खाली कर दें। चलिए अतिथि बिल्कुल बिल्कुल आने वाले हैं और आने का समय हो चुका है। दोस्ती आप अगर कोऑपरेट करेंगे तो इस टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। आप समझदार हैं उनको भी फॉलो करेंगे मंच से जितने भी आप दर्शक बने हैं आप उनको भी फोकस करेंगे। अतिथि के भी समय चलिए खिलाड़ी में परिवर्तन करना चाहेंगे जर्सी नंबर 14 इस वक्त उनके जगह दूसरी टीम आएंगे। अर्ली जी अपने टीम के लिए इस वक्त एक अलग पहचान बना चुके हैं हैट्रिक गोल यानी अपने टीम के लिए 3-0 पर आगे चलता हुआ। गर्ल्स हॉस्टल की टीम चले हाथ उठा देंगे तीसरा गोल जो भी दागे थे वही दगा ठीक है सब छुआ छुआ नहीं है जो नटे नटे जंतर जो हफ्ते हफ्ते जम किसी का हेलो चाईबासा एफसी। चलिए फोर्थ रेफरी पंडाल पर जो टीम बने हैं जानकारी दे देंगे रानी हॉस्टल लेकर हाथ उठा देंगे थैंक यू चाईबासा एफसी चलाएंगे। चलिए दोनों टीम बिल्कुल बिल्कुल फोर्थ रेफरी पंडाल के करीब बने हैं जैसे ये मैच समाप्त होने के बाद उनका भी मैच खेला जाएगा और अपने टीम के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती दे चुकी है 3-0 गर्ल्स हॉस्टल की टीम और इस वक्त इस 3 गोल के अंतर्गत को डिफेंस टोल के टीम कितने कम घटाव कर पाते हैं बचा कुछ समय पर देखना पड़ेगा। एक गोल भी वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत काफी मायने रखते हैं कोशिश करना चाहेंगे इस वक्त डिफेंस टोल के टीम। रानी हॉस्टल के मैनेजर या कैप्टन मैनेजर चले आएंगे रानी हॉस्टल के मैनेजर आप चले आएंगे आपको बार बार सूचना और निवेदन दी गई थी कि मैच खेलने से पहले आपको मंच पर उपलब्ध करने के लिए कहा गया था लेकिन थोड़ी सी अगर लापरवाही किए हैं तो चले आएंगे। All right.